मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर में एक महिला की ससुराल में ही मौत हो गई। उसका शव कमरे में मिला। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या कर शव को फंदे से लटका देने का आरोप लगाया है। ससुराल वाले घटना के बाद से घर छोड़कर भागे हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की गई। आसपास से काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, पता लगा कि मृत महिला विजय कुमार की पत्नी प्रियंका देवी है। उसके पति दूसरे प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसका मायके पानापुर में है। सूचना मिलने पर परिजन भी वहां से पहुंचे। पुलिस ने कई बिंदुओं पर पूछताछ की। प्रियंका के भाई विकास ने बहन के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। कहा कि बहनोई बाहर रहते हैं, 10 साल पहले शादी हुई थी। ससुराल में उसकी सास अक्सर दहेज के लिए ताना मारती थी। कहती थी कि मायके वाले ने कुछ नहीं दिया। इस बात को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। ये बात उन लोगों को पता लगी तो हस्तक्षेप किया। मायके वालों ने प्रियंका को अलग रहने की सलाह दी। खाना पीना भी वह अलग ही बनाती थी। बावजूद इसके उसकी सास ताना मारती रहती थी। इसी कारण से आज उसकी हत्या भी कर दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। परिजन जो बयान देंगे इस आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। जी हम लोग की खबर, हम तो दूसरे जगह जा रहे थे तो पता चला कि खबर मिला है कि सभी लोग मार के उसको टांग दिए हैं। तो वही हम लोग गए तो देखे तो सबकी बॉडी वॉडी उतार के उस पर रखा हुआ था, बेड पर सुलाया था। कहाँ का मामला है ये? मुस्तफापुर। कौन थाना पड़ता है? जी यही पड़ता है, हयापुर थाना। किस चीज़ के लिए? शादी हुआ हुआ था? जी शादी हुआ था। कौन साल शादी हुआ था? जी आज से 10 साल पहले हुआ था। 10 साल ना। काहे के लिए मार दिया गया है? जी हमेशा उससे टॉर्चर करते थे, उसके सास लोग अथी लोग टॉर्चर करते थे कि वो है इसलिए मारते थे। किस चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता? बोलते थे कि ये नहीं मिला है वहाँ से, ये नहीं मिला है, जैसे मिलने के लिए अथी करते थे हमेशा। दहेज के लिए? जी दहेज पता के लिए हमेशा प्रताड़ित करते थे। उसके लिए उससे अलग भी कर दिए तो हम लोग कहें ठीक है अलगे रहो, अलग बनाए खाना, फिर भी कुछ ना कुछ विवाद लेकर उनको टॉर्चर करते थे। आप लोगों को कैसे मालूम चला कि आपकी बहन को मार दिया गया है? तो जी वहीं पे मेरे माँ जी रहते हैं। बहन है ना? जी मेरी बहन है, राघोपुर में माँ जी रहते हैं। तो वही मेरे माँ जी को कॉल किया, तो वो हम पे कॉल किए हैं, तो हम गए वहाँ पे तो पता चला गया इसी बात है। क्या आप लोग लिखित आवेदन दिए हैं थाना को? जी दिए हैं। आपका घर कहाँ हुआ? पानापुर। आप लोग पानापुर? जी। लड़की का क्या नाम है जो मरी है? प्रियंका कुमारी। कितना उम्र होगा? 28 साल लगभग। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। आप कौन है? मृतिका के भाई। हुआ है क्यों आप लोग यहाँ मेडिकल आए हैं? जी जो मर गई वो मेरी साली है, जो हम लोग को मालूम चला कि वहाँ मैंने मारपीट किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ का ये मामला है? मुस्तफापुर गाँव। आप कौन है उनके? हम जीजा जी। क्या मामला था, क्यों मैंने मार दिया गया है? वही लेन देन का मामला था, लगातार उनको जो है टॉर्चर किया जाता था। हम लोग को फोन से बातचीत होती थी तो हम लोग बोलते थे कोई भी बात हो तो उसको जो है मैंने ये लोग बैठ के विचार करके उन लोगों को अलग भी कर दिए थे, जाके वो अलग रहे किसी को दिक्कत नहीं हो। और उसी के बाद जो आज मालूम चला है कि जो उनकी मृत्यु हो गई, मार बहुत मैंने गर्दन पर रेगा हुआ लगा हुआ है, रस्सी टाइप के जो है जाँच के मार दिया गया। आप लोग वहाँ गए तो कैसे आप लोग को पता चला कि हाँ मैंने मार दिया गया है? हम लोग वहाँ गए तो पलंग पर मैंने लेटाया हुआ था पहले से। हाँ। उसके ससुराल वाले नहीं थे? कोई नहीं था, सब घर छोड़ के भाग गए। पति का क्या नाम है? विजय कुमार। क्या करते हैं वो? बाहर रहते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। घटना की जानकारी कैसे हुई आपको और क्या मामला लग रहा है? लड़की के भाई के द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष हम बस्ती में यहाँ से सूचना के अनुसार मैं यहाँ पर आए तो यहाँ लड़की के पिता और भाई से पता किए और अगल बगल के लोगों से पता किए। लड़की के भाई ने कहा कि हमारी बहन को गर्दन दबा करके जान मार दिया, कार्रवाई होना चाहिए।
यही तो बताया। आरोप में किसी का नाम भी बताया? आरोप में अभी तो नाम बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि चलिए वहाँ बताएंगे। प्रथम दृष्टिया में क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया में तो लग रहा है इसका गर्दन में दाग नजर आ रहा है, लगता है कि गर्दन दबाइए कि चाहे फांसी लग तो मरा हो, इसे टंगा झूला हुआ है, एक ओढ़नी झूला हुआ है लाल रंग का। इसमें अभी तक तो कोई अरेस्टिंग वगैरह है? अरेस्टिंग तो अभी एक उसका परिवार ने लड़का के लड़की के भाई और पिता से पूछताछ पहचान करवाए तो कर रहे कि अब नहीं है। यहाँ से फरार है? सब फरार है। जी, क्या परिचय? मेरा नाम पुवनी सुभाष चंद सिंह, अहियापुर थाना।